नमस्कार, एनबीसी न्यूज की टॉप 10 न्यूज में आप सभी का स्वागत करते हैं। सुबह की शुरुआत एनबीसी की खबरों के साथ, जानेंगे देश विदेश की खबरें एक साथ। पहलवानों और दिल्ली पुलिस के हंगामे के बाद दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर भारी पुलिस फोर्स हुआ तैनात। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के एक गाँव में सेना का हेलीकॉप्टर हुआ क्रैश, 2 से 3 लोग थे सवार, फिलहाल बचाव कार्य जारी। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को किया ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी। कोहरे के बाद फिर बरसेंगे बादल, दिल्ली समेत कई राज्यों में भारी बारिश के आसार। शरद पवार को मनाने की कोशिश, कार्यकर्ता नेताओं ने किया इस्तीफे का ऐलान। जंतर मंतर पर पहलवानों के धरना स्थल से पहले पुलिस ने की बैरिकेडिंग, आने जाने पर लगाई रोक। शादी में जा रहे एक ही परिवार के 11 लोगों की गई जान, छत्तीसगढ़ में भीषण सड़क हादसा, बुलेरो कार ट्रक से जा टकराई। प्रदेश में सियासत गर्म, दिन भर पार्टी नेता करते रहे शरद पवार को मनाने की कोशिश, अब राकांपा में इस्तीफे का दौर जारी। राज्य मंत्रिमंडल ने लिया फैसला, कचरा उठाने वाले वाहनों में अब लगेंगे GPS सिस्टम, तो वहीं सड़क की देखभाल के लिए बनेगा महामंडल। और आदि पुरुष होगी ब्लॉकबस्टर फिल्म, राम के रूप में प्रभास, तो वहीं रावण के रूप में नजर आएंगे सैफ अली खान।